राजस्थान के जिलों तथा क्षेत्रों के उपनाम। हमने पहले पढ़ा था कि राजस्थान के जिलों के उपनाम, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जिले और राजस्थान के जो क्षेत्र है उनके क्या क्या उपनाम है। ठीक है ना, करे शुरू। तो पहला प्रश्न है राजस्थान का राजकोट। तो राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है लूणकरण सर को। किसे कहा जाता है? लूणकरण सर को। ठीक है ना, तो राजस्थान का राजकोट लूणकरण सर को कहा जाता है। अगला है हाईटेक सिटी। राजस्थान की कौन सी सिटी है जो हाईटेक कहलाती है? तो हाईटेक सिटी कहा जाता है सीकर को। किसे कहा जाता है? सीकर। सीकर राजस्थान की हाईटेक सिटी है। अंडों की टोकरी, किस जिले को, किस क्षेत्र को अंडों की टोकरी कहा जाता है? अजमेर को। किसे कहा जाता है? अजमेर को। अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है। ठीक है ना, राजस्थान का नाका, राजस्थान का नाका अजमेर। राजस्थान का नाका भी किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान की राधा नगरी, राजस्थान की राधा नगरी कहा जाता है प्रतापगढ़ को। किस जिले को कहा जाता है? प्रतापगढ़ को। राजस्थान की राधा नगरी है प्रतापगढ़। कौन है? प्रतापगढ़। ठीक है ना, आगे लिखें। राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का कानपुर कहा जाता है कोटा को। किसे कहा जाता है? कोटा शहर को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। तो राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहलाता है झालावाड़ जिला। कौन सा जिला है? झालावाड़। और राजस्थान का कानपुर है कोटा। कौन सा जिला है? कोटा। ठीक है, राजस्थान का स्कॉटलैंड, अलवर जिले को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड। किस जिले को कहा जाता है? अलवर को। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड। ठीक है, डांग की रानी किसे कहा जाता है? डांग की रानी करौली को। किसे कहा जाता है? करौली। करौली डांग क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? राजस्थान के डांग क्षेत्र में, इसलिए इसे डांग की रानी कहा जाता है। पूर्व का पेरिश, पूर्व का पेरिश किस जिले को कहा जाता है? पूर्व का पेरिश कहा जाता है जयपुर जिले को। किस जिले को कहा जाता है? जयपुर का। जयपुर को पूर्व का पेरिश कहा जाता है। सुवर्ण नगरी किसे कहा जाता है बताओ आप? सुवर्ण नगरी पता है आपको? सुवर्ण नगरी कहा जाता है जालोर को। किसे कहा जाता है? जालोर को। जालोर को राजस्थान की सुवर्ण नगरी कहा जाता है। आगे देखो ऊपर, मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन कहलाता है दिवेर। मेवाड़ का मैराथन कौन क्षेत्र है? दिवेर क्षेत्र। यहां पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में युद्ध हुआ था जो काफी लंबे समय तक चला था। इसमें महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को धूल चटा दी थी, यानी पराजित कर दिया था। राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है हल्दी घाटी के, हल्दी घाटी के क्षेत्र को। किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी के क्षेत्र को। और हल्दी घाटी क्यों प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है पता है आपको? हल्दी घाटी इस स्थान पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था, इसलिए इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। ठीक है ना, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को। अब सांचौर जिला बन गया ना, सांचौर राजस्थान का एक नया जिला बन गया है। सांचौर राजस्थान का पंजाब है। अणु नगरी, अणु नगरी कहा जाता है रावत भाटा को। किसे कहा जाता है? रावत भाटा। रावत भाटा राजस्थान की अणु नगरी है।
राजस्थान का शिमला किस क्षेत्र को किस जगह कहा जाता है? राजस्थान का शिमला माउंट आबू, कौन सा क्षेत्र है वो, कौन सी जगह है? माउंट आबू है, जो कहां पर है, किस जिले में बताओ? सिरोही जिले के अंदर। किस जिले में है? सिरोही जिले के अंदर है। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। मैनचेस्टर क्या बताया आपको? मैनचेस्टर है इंग्लैंड के अंदर एक शहर का नाम, जहां पर है कपड़ों का व्यापार होता है, जहां कपड़े बनते हैं। क्या बनते हैं वहां पर है? उसी प्रकार राजस्थान के भीलवाड़ा में भी कपड़े बनते हैं, इसलिए से कपड़ों की नगरी या वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। तीर्थराज या आदि तीर्थ या तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? पुष्कर को। और पुष्कर किस जिले में है पता है आपको? पुष्कर है अजमेर जिले में। किस जिले में है पुष्कर? है अजमेर में। यहां ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। धातु नगरी कहा जाता है नागौर को। किसे कहा जाता है? नागौर, ठीक है ना। जल महलों की नगरी यानी चारों ओर पानी, बीच में महल, ऐसे महल कहां बने हुए हैं? डीग के अंदर। कहां बने हुए हैं? डीग में। और डीग कहां पे है? डीग है, अब तो डीग जिला बन गया है, डीग पे भरतपुर के अंदर है। कहां पर है? अब तो जिला बन गया है, डीग खुद जिला है। अगला है घंटियों का शहर। घंटियों का शहर कहा जाता है झालरा पाटन। किसे कहा जाता है? झालरा पाटन। और झालरा पाटन कहां पे है, कौन से जिले में? झालरा पाटन झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में, ठीक है। अब समझा गए सबको? ये है राजस्थान के जिलों और राजस्थान के क्षेत्रों के उपनाम।